हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट एडवाइस सजेशन लेके आई हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम को मैनेज करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन को एक सेकेंड स्टेप देना है। तो हर तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपके पास अच्छे स्टेप भी होने चाहिए कि क्या स्टेप आपको पहले फॉलो करना है, जिस तरीके से आपका लास्ट में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रह ना पाए। ऑलरेडी आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करके आओ। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं कि ऑलरेडी लास्ट में कुछ ये ईजी क्वेश्चन था जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया, छोड़ दिया, फिर मतलब या फिर भूल गया, जो भी मतलब आपके रह जाते हैं क्वेश्चन। तो वैसा मिस्टेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपने ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि लास्ट में जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते थोड़े से हार्ड होते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो इजी निकलते हैं, क्योंकि चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, आपका आर्मी ऑडियंस हो, कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम वाला वो यही स्टेप फॉलो करता है कि पहले वो हार्ड क्वेश्चन देता है, जो बच्चे देख के पहले ही वहाँ पे फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, फिर लास्ट में उनके पास टाइम बचता नहीं है। फिर लास्ट में जब वो क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ पे लगता है वहाँ पे सारे क्वेश्चन तो ईजी थे और मैंने छोड़ दिया। तो मैं आज आपको बहुत अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ, एक स्टेप वाइज पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताने वाली हूँ। प्लीज़ जिन लोगों को एग्ज़ाम में पास होना ही है वो अच्छे तरीके से मेरे स्टेप को फॉलो करो, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग एटलीस्ट जो भी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करता है सबके एक तरफ से हर एक का मतलब प्रिपरेशन सबका हुआ रहता है। कैसे टाइम मतलब एग्ज़ाम के बिफोर कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्ज़ाम के इन बिटवीन में टाइम कैसे मैनेज करना है, ऑन द एग्ज़ाम टाइम पे कैसे मैनेज करना है टाइम को, तो ये तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कैसे समय को मैनेज करें, एक सवाल भी रह न जाए। यस फ्रेंड, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर एडवाइस देने के बाद भी कोई इंसान गलत करे मतलब आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ पे आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है। जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, सजेशन, एडवाइस, नए नए वैकेंसी, जॉब, सब पूरी इन्फॉर्मेशन ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपको देता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको मैनेज करना। एक मिनट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, ये आपका वाला है, वो डी ऑडियो का अलग था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, यस ये है आपका आर्मी ऑडियंस क्रॉप टेस्टमैन का। मैंने आपको क्या बोला, एटलीस्ट आपको 120 लेके आना है। एक जो स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया था कि मैम पहले तो आप 90 बोले थे, स्टूडेंट्स पहले 90-80 मैंने आपको कहा, सारा ऑब्जर्वेशन देखने के बाद ये फाइनल नंबर्स निकल के आए हैं। कैटेगरीज के हिसाब से कितना नंबर आपको चाहिए मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट की मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ। आपको 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश का होगा, जीके होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपका होगा। ये 5 पार्ट में से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। कोई 25 है तो कोई 50 है। आपको शुरुआत कहाँ से करना है, स्टार्टिंग में शायद आपको पहले जीके दे सकता है या मैथ्स ही उठा के पहले देगा, तो पहले आपको मैथ्स नहीं करना है। यस फ्रेंड्स, पहले आपको यहाँ पे मैथ्स नहीं करना है। पहले अगर मैथ्स आ रहा है तो उसको स्किप करो, आगे जाके थोड़ा सा वहाँ पे देखो। पहले आपको जीके वाले क्वेश्चंस करने हैं। यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा जीके का करो या इंग्लिश वाले क्वेश्चन पहले करो। ये थोड़े से रीडिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे आप थोड़ा सा रीडिंग करते जाओगे इंग्लिश को, चाहे हिंदी में, आप जो भी पेपर्स इन लैंग्वेज में दे रहे हो, पहले आपका यहाँ पे थोड़ा रीडिंग का माइंड का फटाफट जो पढ़ने की स्पीड होती है वो आपका ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बढ़ जाएगा। जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा पढ़ते पढ़ते जीके के क्वेश्चन या फिर इंग्लिश के, उसके बाद आप मैथ्स करना स्टार्ट कीजिए। तब मैथ्स के लिए क्या चाहिए, दिमाग फटाफट बढ़ना, वहाँ पे फास्ट में ग्रो करना चाहिए, कि फास्ट में ग्रो करेगा, फास्ट में वो आंसर निकालेगा, तब जाके आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों का मैथ्स अच्छे होते हैं तो वो पहले मैथ्स में ही बहुत टाइम दे देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, पहले आपको अपना माइंड स्पीड का जो है ना, माइंड का लेवल, उसको स्पीड करना है, कितने तरीके से कम टाइम में फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो जीके रीडिंग करते वक्त, इंग्लिश के क्वेश्चन रीडिंग करते वक्त आपको यहाँ पे आपका माइंड स्पीड फास्ट हो गया है। अब आपको मैथ्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, मैथ्स के भी फटाफट आपको सॉल्व कर देना, जो इजी इजी आ रहे वो कर दो।
फिर उसके बाद आपको जो स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है फिर उसको थोड़ा सा पढ़ लो। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, इस तरीके से आपको स्टेप वाइज चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आपको जीके करो, चाहे आपको इंग्लिश करो, जो भी आपको सही लगे पेपर में जो भी पहले आ गया वो कर दो, इंग्लिश और जीके। उसके बाद मैथ्स करो, मैथ्स के बाद जो आपके रीजनिंग है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स के लिए दोनों का माइंड ऑफ स्पीड फास्ट होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप रीजनिंग पढ़े हो चाहे मैथ्स करो, डजेंट मैटर, बट करते वक्त थोड़ा सा माइंड स्पीड होगा। हम जब एग्जाम में स्टार्टिंग में बैठते हैं तो उस टाइम माइंड थोड़ा सुनने रहता है, मतलब कि कुछ भी समझने जितना उतना नहीं रहता, ऑलरेडी हम नर्वस भी फील करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमें उस नर्वस को यहाँ पे हटाना है और माइंड को स्टेप करना है, फास्ट भगाना है, ठीक है। तो आप पहले 5-10 मिनट क्या करोगे, जीके वाले क्वेश्चन और इंग्लिश कर लोगे, अब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, माइंड का स्पीड भी बढ़ जाएगा। अब चाहे आप मैथ्स करो चाहे रीजनिंग करो, एज अ विश। उसके बाद आप लास्ट में अपने स्पेशलाइजेशन टॉपिक कर लो, इस तरीके से ये पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको पहले कौन से वाले क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है, जो एक लाइन या दो लाइन वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहले उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे जीके में 5-6 लाइन के ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 5-6 लाइन को पढ़ना, टाइम वेस्ट करना, इट्स बेटर पहले आपको जो एक या दो लाइन का क्वेश्चन होगा सारा पहले वो पूरा सॉल्व कर लो। रीजनिंग में भी क्या होता है, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन 5-6 लाइन के होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बाद में सॉल्व करो, जब आपका माइंड स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाए, आधा घंटा पेपर लिखने के बाद जब माइंड स्पीड बहुत फास्ट हो जाए तब ऐसे 5-6 लाइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तब तक आधा और पौने घंटा तक आपको क्या करना है, जो एक और दो लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे उसको फटाफट सॉल्व करके माइंड स्पीड को यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको आधा पौने घंटा लगेगा माइंड स्पीड बढ़ने में, तब तक जीके कर लो, उस पर ये सब कर लो। फिर 2 घंटे का आपका पेपर है, तो 1.5 घंटा आपका यहाँ पे हो गया। अब जो फटाफट आप मैथ्स करना स्टार्ट करो, आधे घंटे में फटाफट आपका मैथ्स रीजनिंग फास्ट फास्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर अपना स्पेशलाइजेशन टॉपिक भी पढ़ दो, फिर लास्ट को लास्ट में आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स रिमेनिंग रखना है, उसमें सारे क्वेश्चन को एक बार वापस लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में आपको ईजी मिल जाते हैं। तो उस तरीके से लास्ट वाली चीज़ों को आप वापस एक बार पढ़ लो, आया तो ठीक, नहीं आया तो अपने हिसाब से आप जो भी टिक मार्क कर सकते हो। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आपको कम टाइम में अच्छे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रह ना पाए उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले एक एक दो लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आधा पौने घंटा जब आपके माइंड स्पीड बढ़ जाएगी तो मैथ्स और रीजनिंग करो, फिर उसके बाद जो भी 5-6 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं तब उसको वो सॉल्व करो, फिर लास्ट में आप स्पेशलाइजेशन टॉपिक वाला सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से ये स्पीड है आपको फास्ट बढ़ाने के लिए, एग्जाम पेपर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। किसी को और भी कुछ डाउट, ऑलरेडी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आने ही वाली हूँ, जितना भी मुझे मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूँगी, और इस आपके स्पेशलाइजेशन टॉपिक पे भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लेके ही आने वाली हूँ। आज ऑलरेडी मैं बहुत काफ़ी बिजी हूँ आज और कल में, तो मुझे टाइम नहीं मिला आपके स्पेशलाइजेशन टॉपिक को फाइंड आउट करने में, बट डेफिनेटली आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं अच्छे से कम से कम 70-80 क्वेश्चन अच्छे से आपको दे दूंगी, आप अच्छे से पूरा पढ़ लेना उसको, और आपको पूरा अच्छे क्लियर है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, एक नया सजेशन, एक नए एडवाइस के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।